प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक दौरों की बात करेंगे। देखिए, दो देशों का दौरा बेहद सफल रहा और इस दौरे में कई बड़े समझौते भी हुए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के इस विजिट में दुनिया ने हिंदुस्तान की ताकत देखी भी और समझी भी। प्रधानमंत्री मोदी की स्टेट्समैनशिप और प्रोग्रेसिव वर्ल्ड व्यू ने दुनिया को कायल बना दिया है और उसे झुककर सलाम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति ने अमेरिका को अपना मुरीद बनाया तो इजिप्ट के साथ दोस्ती की नई मिसाल कायम की। एक रिपोर्ट। शुद्ध नमो नीति, शुद्ध सोने का कॉलर और विशुद्ध दोस्ती का ये वो ऐतिहासिक पल है जो भारत के मिशन विश्व गुरु का पुख्ता प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। कैपिटल काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने खुद पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से नवाजा। प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया तिहरवां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्दुल करीम आलम के साथ मुलाकात की। दोनों के बीच दोनों मुल्कों की संस्कृति को मजबूती देने से लेकर कट्टरवाद से निपटने तक पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से मिलने के बाद मिस्र के सबसे बड़े धार्मिक नेता भी नमो नीति के मुरीद हो गए और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बुद्धिमान नेतृत्व को दर्शाते हैं। मैंने देखा कि भारत में बहुत विकास हुआ है और ये दर्शाता है कि वो भारत में हमेशा और लगातार काम कर रहे हैं। भारत में विभिन्न गुटों के बीच सह अस्तित्व लाने के लिए पीएम मोदी द्वारा समझदारी भरी नीतियां अपनाई जा रही हैं। मिस्र की सबसे बड़ी मजहबी शख्सियत से मिल चुके प्रधानमंत्री मोदी उस मस्जिद में पहुंचे जो 11वीं सदी की है, जो अल हकीम नाम से जानी जाती है। जिस मस्जिद को दाऊदी बोहरा समुदाय के 52वें धर्मगुरु सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने नए तरीके से बनवाया था। दोपहर में प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही मस्जिद पहुंचे, उनके स्वागत के लिए मौलाना खड़े थे। उन्होंने गले लगाया। वो पीएम मोदी को लेकर मस्जिद के अंदर गए। लाल कारपेट पर प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे थे और दोनों मुल्कों की दोस्ती नए आयाम को छू रही थी। प्रधानमंत्री मोदी के दो दिनों के दौरे में मिस्र पूरी तरह से मोदी मैसा था और ये यूं ही नहीं था। इसकी वजह है मिस्र की मोदी से बेहिसाब उम्मीद, क्योंकि रसातल में जा चुकी मिस्र की अर्थव्यवस्था को निकालने में भारत ने हद तक मदद की है। भारत की करीब 50 कंपनियों ने मिस्र में लगभग 3.15 अरब डॉलर तक का निवेश किया है। केमिकल, ऊर्जा, कपड़ा उद्योग के साथ साथ एग्री बिजनेस में निवेश किया है। भारत और मिस्र के बीच डॉलर के अलावा दूसरी मुद्रा में व्यापार करने को लेकर अभी बातचीत चल रही है। मिस्र को शिक्षा, आईटी, रक्षा आदि क्षेत्रों में भारत की जरूरत है। मिस्र भारत से दूसरी चीजों के अलावा गेहूं खरीदना चाहता है। अमेरिका की तरह ही इजिप्ट की मोदी विजिट भी सुपर हिट रही। पाकिस्तान तक में मोदी की विदेश नीति का डंका बज रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।